हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आपका भी और बेस्ट डॉक्टर चैनल में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स क्या है, ये कब काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है और बॉडी में कहाँ से प्रोडक्शन होता है इनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते रहिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन ऑन करना, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो तीन सेलों के बारे में है। तीन सेलों के बारे में हमें डिस्कस करना है, आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसीज की। देखिए, आरबीसीज आपके बॉडी में करीबन ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती है, ऑक्सीजन को लाना और ले जाना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आरबीसीज में ब्लड कैसे, ऑक्सीजन कैसे जाता है, तो इसके अंदर फोर मॉलिक्यूल्स एक चेन होती है। ठीक है, उसके अंदर फोर मॉलिक्यूल्स आरबीसीज के अंदर, एक आरबी सिंगल आरबीसीज के अंदर आपका फोर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जहां जरूरत होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। कैसे, मान लीजिए आप कहीं हाई एटीट्यूड पर जाते हैं, आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर अपनी आपकी जो आरबीसीज होती है ब्लड के अंदर, वो आरबीसीज बहुत ज़्यादा अपना फंक्शन बढ़ाती है और आपको ब्रेन को ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है। तो ये हुआ आरबीसीज का काम। इसके कई और भी काम हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही काम है, लेकिन इसके अगर नेक्स्ट बात करें तो ये टूटती कब है। देखिए, जब भी आपको कोई स्नेक वाइट करता है, जैसे जहरीला सांप काट ले आपको या फिर पेशेंट को, या फिर कोई और ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें आरबीसी टूटने लगती है, आरबीसी टूटेगी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बॉडी में कम होगा, पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, एनीमिया होगा पेशेंट को, तब भी इस तरह की परेशानी पेशेंट को आ सकती है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के। डब्ल्यूबीसीज की अगर बात करें तो ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी को रक्षा करता है जब भी कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म या जब भी कोई बाहर के फॉरेन बॉडीज आपके बॉडी में एंटर करते हैं, तो उस टाइम पर वहां पर जो बॉडीज को सेल्स को प्रोटेक्शन करता है, जो भी जितने भी सेल्स होते हैं वहां पर, या फिर जो आपकी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया जाते हैं उनसे बचाने का कुछ काम करता है। जैसे मान लीजिए एक सिपाही है या चार लोग हैं जिनको, जिनसे बचाना है आपको, तो ये डिफेंस सिस्टम करेगा, डब्ल्यूबीसीज का काम है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 4000 से 11000 के आसपास होती है, इसके आसपास होनी चाहिए। कई लैब्स के जो वैल्यूज होते हैं, डाटा वैल्यूज होते हैं, वो भी उनके अलग अलग वेरी करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट काम करती है, जैसे कि जहां से भी ब्लड, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है जैसे एक्सीडेंटल, या फिर कहीं से भी थोड़ा थोड़ा ब्लड अगर निकलता है, तो वहां पर ब्लड को क्लॉट करने के लिए आपकी प्लेटलेट्स जाएंगे। जैसे कि इंजरी हुई, शेयर जो लेयर है वहां की डैमेज हुई, अब वो लेयर में क्लॉटिंग के लिए आपको प्लेटलेट्स ले जाना पड़ेगा, जो कि बॉडी का नेचुरल सिस्टम है, वहां पर ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स पहुंच जाएगी, फिब्रिनोजन वगैरह अपना जो अपना पूरा सिस्टम है उसके पास, पूरे सिस्टम के साथ जाएगी और वहां से क्लॉट करने की कोशिश करेगी। अगर प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाती है बॉडी में, मान लीजिए प्लेटलेट्स अगर बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा। देखिए, अगर प्लेटलेट्स ज्यादा होगी तो ब्लड आपका जमने लगेगा, यानी क्लॉट ज्यादा क्लॉट होने की टेंडेंसी हो जाएगी। अगर प्लेटलेट्स कम होती है बॉडी में तो हो सकता है कि ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाए, जैसे कि डेंगू फीवर होता है या ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनके अंदर पेशेंट में से खून नॉर्मली स्किन से निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा करके। ये होता है प्लेटलेट्स की कमी होना, या फिर ऐसी भी जिनके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, या फिर जो प्लेटलेट्स के फैक्टर्स हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनमें से अगर एक फैक्टर्स भी नहीं होता, एक फैक्टर्स जो है एब्सेंट होता है, उसकी वजह से भी आपका ब्लीडिंग पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हमने जाना आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज के बारे में, ये इसको जनरल जानकारी थी। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग, स्टे हेल्दी।